दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट का इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है। अभी अभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए तीन बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट कितने बजे और कौन सी तारीख को आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक एक करके सभी राज्य की खबरों को जानेंगे कि कब तक आएगा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट। तो बिना देरी करे आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर को। दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर महाराष्ट्र बोर्ड से निकल कर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र बोर्ड का कक्षा 10वीं का रिजल्ट कल दोपहर 1 बजे तक आ सकता है और इस रिजल्ट को आप mahresult.nic.in पर जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। और इस रिजल्ट को जारी करने की जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री जी ने ट्विटर के माध्यम से दी है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर थी कि उनका रिजल्ट कल आने वाला है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की दूसरी और सबसे बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है यूपी बोर्ड से। दोस्तों यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट अब बनकर तैयार हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के गोपनीय विभाग की टीम रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के कार्य में जुटी हुई है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट किसी भी पल जारी किया जा सकता है क्योंकि उनका रिजल्ट अब बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कई राज्य दावा कर रहे थे कि 15 तारीख के बाद कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और दोस्तों अभी तक 3-4 राज्यों ने तो कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर भी दिया है। साथ ही साथ दोस्तों हम कक्षा 12वीं के छात्रों को भी बता दें कि कक्षा 12वीं के छात्रों का रिजल्ट कक्षा 10वीं के छात्रों के रिजल्ट के बाद आने वाला है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन हम आपको बताएं कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट 25 जुलाई के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं का रिजल्ट 25 से 31 जुलाई के बीच कभी भी आ सकता है।